दोस्तों एक इफेक्टिव रिकॉल टेक्निक क्या होती है और हम लोगों को कैसे पता चलता है कि किसी भी चैप्टर में हम लोग बहुत अच्छे हैं, तो मैं आप लोगों को एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं जिससे मैं ये चीज अज्यूम करता हूं कि अरे ये पर्टिकुलर चैप्टर मेरा अच्छा है। ठीक है, अगर आप किसी भी चैप्टर के लिए ये चीज कर पा रहे हैं तो आप ये मान सकते हैं कि आपका चैप्टर अच्छा है, क्योंकि बहुत बार हम लोग को पता नहीं चलता, वी आर नॉट अवेयर कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू टेक दी एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना, या फिर मैं एक काम करता हूं ऐसा एग्जाम्पल लेता हूं जो सभी बच्चों के लिए रेलेवेंट है। तो मैं एग्जाम्पल लेता हूं ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री को फ्लो में हम लोग सोचने की कोशिश करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या होता है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एंगल्स का इंट्रोडक्शन होता है, साइन कॉस टैन कॉस एक्स एक, है ना, कॉट, ये सारे छः के छः ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनकी वैल्यूज हम निकालना सीखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। फिर हम लोग इसकी नई डेफिनेशन सीखते हैं जो सर्कल के ऊपर एप्लीकेबल है, ताकि जीरो से लेकर 360 डिग्री तक ये चीजें डिफाइन हो सके। जीरो से लेकर 360 डिग्री तक डिफाइन होने के बाद हम ये कंक्लूड करते हैं कि 360 डिग्री से एंगल कितना भी बढ़ा लो, जैसे 420 डिग्री है वो 60 के इक्विवेलेंट है, 540 डिग्री है वो 180 के इक्विवेलेंट है, 270 के इक्विवेलेंट, इसमें एक और 360 जोड़ दो 630 डिग्री, ये इक्विवेलेंट एंगल्स हैं। तो यहां से हम लोगों को बेसिकली पीरियोडिक नेचर के बारे में पता चलता है। तो फिर जो हमारी आइडेंटिटीज हम लोगों ने 9th-10th में पढ़ी है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ये सब चीजें बेसिकली हम नई डेफिनेशंस के हिसाब से सीखने की कोशिश करते हैं कि साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा एक पॉइंट है जो सर्कल पे लाई करता है। ठीक है, तो उससे हम लोगों को पता चल जाता है कि रेडियस क्योंकि वन है तो डिस्टेंस फ्रॉम टू फ्रो ओरिजिन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, वो वन हो गया। सो दिस इज हाउ ये जो नई डेफिनेशन है वो आती है। फिर इसके बाद हम लोग साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, ये इसके फॉर्मूले पढ़ते हैं, टेन ए प्लस बी, सबसे इंपॉर्टेंट ये तीन ही होते हैं, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी टेन ए प्लस बी। फिर बी को मैं माइनस बी से रिप्लेस करता हूँ सब जगह, क्योंकि आइडेंटिटी है तो बी को सब जगह माइनस बी से मैंने रिप्लेस किया, तो साइन ए प्लस बी से मैंने साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बना लिया, कॉस ए प्लस बी से कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बना लिया, टेन ए प्लस बी से टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला मैंने बना लिया। फिर मैं अगर ए इक्वल टू बी रख दूँ तो साइन टू थीटा बन जाएगा, साइन टू थीटा का फॉर्मूला मैंने अलग अलग तरीके से पढ़ लिया, खासकर टू साइन थीटा कॉस थीटा तो है ही सही, मगर जो एक और इंपॉर्टेंट है वो है टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉस टू थीटा के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी इंपॉर्टेंट है, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन भी इंपॉर्टेंट है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो इंपॉर्टेंट है ही सही, क्योंकि हर एक कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को टेन में कन्वर्ट करना एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है। उसके बाद इसके जो रिवर्स होता है कि 1 प्लस कॉस टू थीटा अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, डबल एंगल को हाफ एंगल में कन्वर्ट करना, ये चीज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों ने पढ़ी थी। डबल एंगल के बाद ट्रिपल एंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है साइन और कॉस के अंदर, इसमें फिर मैंने याद रख रखा है कि अपोजिट होता है, साइन थ्री थीटा थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा होता है, कॉस थ्री थीटा फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा होता है। फिर टैन थ्री थीटा के अंदर वन माइनस थ्री टैन स्क्वायर थीटा नीचे आता है, थ्री टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा आता है। ठीक है, फिर इसको मतलब उसके आगे तो थोड़ा सा एडवांस चीज़ है जो पढ़ तो रखी है बट कोई काम की नहीं है, कि टैन थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री प्लस थीटा फोर क्या होता है, फिर आ जाता है सिग्मा टैन थीटा वन माइनस मतलब सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम टू एट अ टाइम थ्री एट अ टाइम वी एट अ रिलेशन वाला, वो चलो ठीक है टेंजेंशियल चीज़ है उसको हटा सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसके बाद हम लोगों ने इनके ग्राफ्स बनाए थे। ग्राफ्स बनाने के अंदर साइन का ग्राफ बनाया, साइन के ग्राफ को पाई बाय टू से इधर किसका आया तो कॉस का ग्राफ बन गया, टू पाई इनका पीरियड होता है, इसके अंदर ये देखा कि कहाँ कहाँ डिफाइंड है, इनका डोमेन आर होता है, रेंज माइनस वन से वन होती है। फिर टेन कॉट का बनाया, टेन और कॉट का बनाने के अंदर भी इन्वर्जन्स किए, टेन के अंदर पाई बाय टू का कोई भी ऑड मल्टीपल डोमेन में नहीं आएगा, रेंज आर होती है, कॉसेक थीटा सेक थीटा के अंदर माइनस वन से वन कुछ भी नहीं हो सकता, या तो वन या वन से बड़ा होगा या माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन तक होगा, डोमेन के अंदर सेक और टैन का सेम होता है, कॉट और कॉसेक का सेम होता है, ये कुछ रिलेशंस बनाए। फिर ये इनकी एक्सट्रीम वैल्यूज याद कर ली कि भाई कॉस थीटा की वैल्यू वन कब होती है, माइनस वन कब होती है, जीरो कब होती है, वन एट टू एन पाई पे होती है, माइनस वन टू एन प्लस वन पाई पे होती है, जीरो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू पर होती है, तो ये सारी चीजें बेसिकली याद रख ली। इसी के बेसिस पर रेंज आ गया, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन कितने तरीके की होती है, एक तो क्वाड्रेटिक बन गया तो जो क्वाड्रेटिक की रेंज होती है उसी से निकलती है, उसके बाद ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की रेंज माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो सकती है।
इसके अलावा मतलब ये सारी चीजें रेंज के अंदर आ गई, फिर रेंज के जो फॉर्मूले कैलकुलस में आते हैं वो बात की बात है, बट अभी केवल ट्रिग्नोमेट्री पर फोकस करते हैं। साइंस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा जहां पे भी आ गया उसकी रेंज 0 से 1 तक ही हो सकती है। फिर इसमें एम जी एम के जो क्वेश्चन होते हैं वो अगेन वो मोर ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज प्रॉब्लम है रादर देन ट्रिग्नोमेट्री। इसके बाद कंडीशनल आइडेंटिटीज आती हैं, कंडीशनल आइडेंटिटीज पर इतना ज्यादा फोकस नहीं होता है, बट हाँ बीच में एक इंपॉर्टेंट चीज मैं भूल गया, वही होता है कि इस तरह से रिकॉल करने पर ना क्या क्या चीज़ें आपको याद आ रही है, सब चीज़ें रिकॉल हो जानी चाहिए, इवेंचुअली सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी होता है 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 कॉस ए माइनस बी बाय 2। अब एक और चीज़ याद आ गई, साइन 60 माइनस थीटा, साइन थीटा साइन 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन 4 थीटा बाय साइन 3 थीटा बाय 4, तो ये फॉर्मूला भी याद आ गया। तो ऐसे मतलब अपने को याद करना होता है। फिर कंडीशनल आइडेंटिटी आती है, कंडीशनल आइडेंटिटी सिलेबस में है नहीं, कोई भी आइडेंटिटी आए ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 60 डिग्री मान के देख लो, क्योंकि वो ट्राइंगल के अंदर ही आती है जनरली, तो उसको प्रूव कर सकते हैं। लैम्डा वगैरह की वैल्यू पूछी होती है उसके अंदर, वो किसी पर्टिकुलर केस के लिए भी ट्रू होती है, जरूरी नहीं है कि हम लोग उसको जनरली प्रूव करें। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आती है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के अंदर अलग अलग तरीके की इक्वेशंस आती हैं। अच्छा हाँ, एक मॉड वाली प्रॉब्लम्स हम लोग भूल गए, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2, ये मॉड किस किस तरीके से ओपन होता है, इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं। ये एक्सपीरियंस कैसे हुआ, जेई मेन की पी वाई क्यूज देखने के बाद, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के अंदर जनरल सोल्यूशन, प्रिंसिपल सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन, ये तीन तरह के होते हैं। प्रिंसिपल सोल्यूशन 0 से 2 पाई होता है, 2 पाई पे ओपन होता है। जनरल सोल्यूशन के अंदर एन बिलोंग्स टू इंटीजर के लिए हम लोग क्योंकि पीरियोडिक नेचर होता है उसे करते हैं। फिर ट्राइंगल इनइक्वालिटीज़ के अंदर भी यही करते हैं, एक इंटरवल में सोल्यूशन निकालते हैं, फिर उसमें 2n पाई ऐड कर देते हैं या फिर जो भी पीरियड है उसका मल्टीपल इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अब इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के अलग अलग तरीके होते हैं। बेसिकली हमें यहाँ पे पहुँचना होता है कि tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, ये तीन तरह की इक्वेशंस पे हम लोगों को पहुंचना है। टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा पे सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा होगा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा पे थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा होगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा पे थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन अल्फा होगा। तो ये सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन होता है। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अल्फा, का मतलब थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। तो ये जनरल सॉल्यूशन हो गए। फिर अलग अलग टाइपोलॉजी क्या होती है, कॉस की टाइपोलॉजी हो गई, साइन की टाइपोलॉजी हो गई, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में प्रॉपर्टी लग के हो गया। फिर सम ऑफ सीरीज का भी आ जाता है इसके अंदर कि साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा प्लस साइन थ्री थीटा, ये आ गया। तो इसके अंदर क्या होता है, इक्वल टू साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय टू, साइन एन थीटा बाय टू अपॉन साइन थीटा बाय टू। कॉस के अंदर सिंपली बस कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय टू हो जाता है, बाकी साइन एन थीटा बाय टू अपॉन साइन थीटा बाय टू सेम रहता है। फिर टेलीस्कोपिक सीरीज के इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर लार्जली ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले यूज होते हैं जो बेसिकली हम लोग करते हैं, जिसके अंदर क्या होगा कि जो दो एंगल होंगे वो एपी में होंगे, है ना। तो ऐसे लिखा होता है वन अपॉन साइन थीटा वन साइन थीटा टू, थीटा वन थीटा टू का डिफरेंस बेसिकली कॉन्स्टेंट है, तो उसमें ऊपर साइन थीटा वन माइनस थीटा टू से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं और फिर टेलीस्कोपिक बनाते हैं। तो ये चीज़ होती है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के अंदर। ये भी ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला वाली इक्वेशन भी आती है। फिर बाउंडेडनेस वाले आते हैं, जैसे साइन एक्स इंटू कॉस वाई अगर वन दे रखा है तो साइन एक्स वन कॉस वाई वन, साइन एक्स माइनस वन कॉस वाई माइनस वन, यही हो सकता है। तो बेसिकली देखो इतनी सारी चीज़ें मैंने रिकॉल कर ली, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री मेरे कहीं ना कहीं अच्छी है। आप ये हर एक चैप्टर के अंदर करके देखिए, जिस चैप्टर के अंदर आप किसी भी सीक्वेंस में सारी चीज़ें रिप्रोड्यूस कर लेंगे वो आपका ए टैग ही है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी है और अगर आप इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत फ़ायदा आप लोगों को हो सकता है, ठीक है। आई होप अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। लेट्स क्रैक इट।